चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे उमा भारती के बारे में। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। तो कई लोगों का कहना था कि उमा भारती के बारे में बात कीजिए, इनके जीवन के बारे में बात कीजिए, इनकी जो शुरुआत जीवन है उस पर बात करिए, इनके राजनीतिक जीवन पर बात करिए। तो चलिए, सब कुछ इनके बारे में एक तरह से सामान्य जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है? और याद रखिए, इससे हम लोग पहले प्रधानमंत्रियों की सूची आपकी पूरी देख चुके हैं, राष्ट्रपति भी देख चुके हैं, और आपके जितने भी इतिहास में महान नेता हुए या स्वतंत्रता सेनानी हुए या राजा महाराजा, जैसे आपके चाणक्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जैन धर्म के महावीर स्वामी, बौद्ध, सिकंदर, सबके बारे में, इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। तो बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें सभी के बारे में बताया गया। तो एक बार पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की भारतीय राजनीति है, राजनेत्री है, यानी कि कहने का मतलब है कि उमा भारती साहब है जो, ये उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जुड़ी हुई है, ये आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, याद रखिए। और इतना इनके बारे में याद रखिए कि जब इनके बाद पा ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आरएसएस इनका बढ़ चढ़कर एक तरह से मदद करती है, ठीक है? भारती को उनके कट्टर धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि एक हिंदू कट्टर हिंदूवादी है, और यह सन्यासिनी राजनीति के रूप में भी लोकप्रिय है। इन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में एक अहम भूमिका भी निभाई है। इनका सबसे चर्चित नारा है, एक श्री राम लला घर आएंगे मंदिर वही बनवाएंगे। ये काफी, जे कहीं भी जाती हैं आप, कभी भी देखिए इंटरव्यू, इनका ये नारा काफी चर्चित रहता है। पिक्चर्स देख लीजिए, ये है इनकी पिक्चर्स। अगर इनके निजी जीवन के बारे में हम लोग बात करें तो उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में डुंडा नामक स्थान पर लोधी राजपूत परिवार में हुआ था। याद रखिए, इनका जन्म कब, 3 मई 1959 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में डुंडा नामक स्थान पर लोधी परिवार में हुआ था। लोधी, जिसे आप लोग राजपूत भी कहते हैं। उनकी पढ़ाई की बात करें तो कक्षा छठवीं तक ही उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने बचपन से ही सारे हिंदू धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे, यानी कि उन्होंने याद कर लिए थे। हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं को पढ़ लिया। धार्मिक वातावरण में बचपन बीतने के कारण उनकी हिंदू दर्शन शास्त्र के प्रत्यायन मजबूत हो गई। छोटी उम्र में ही उन्होंने कथा पाठ करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनका परिचय राजमाता विजयाराजे सिंधिया से हुआ, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया था। एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि राजनीतिक गुरु इनके राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी। एक बार आप लोग मैप्स में, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ कुछ सामान्य जानकारी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके इससे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और जैसे ही हम लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश को आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, समझ रहे, नदियों का मायका भी कहते हैं। ये है मध्य प्रदेश आपका, ठीक है? मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है आपकी। और अगर इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सभी इससे इसकी सीमा लगती है, ठीक है? और अभी देख रहे हैं आप लोग कि स्वच्छ भारत अभियान के जो भी आंकड़े आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण, उसमें इंदौर मध्य प्रदेश का शहर टॉप पर देखा जाता है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809 के करीब जनसंख्या है, ठीक है? और आप देखेंगे कि लोकसभा सीटें आपको देखने को मिलेगी 29, राज्यसभा 11, राज्यसभा सीटें 11 देखने को मिली हैं, और विधानसभा सीटें 230 देखने को मिली हैं। एक आप राज्यपाल नियुक्त करता है तो वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है? यहाँ का जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ, और खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, पर आपने देखा एक नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग करके कर दिया गया मध्य प्रदेश से, ठीक है? छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो यही हाल, आगे बात करते हैं हम लोग लेखन कार्य की। इनकी कुछ पुस्तक भी है, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग, पूछ लेता है कई बार आपके एग्जाम में भी। स्वामी विवेकानंद 1972 में इन्होंने लिखी, पीस ऑफ माइंड 1978 अफ्रीका,
मानो एक भक्ति का नाता, मानो एक भक्ति का नाता, ये 1983 में। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए जरूरी नहीं है उमा भारती जी के बारे में जानना। ये आप सोचिए कि कहीं भी आप रह रहे हैं देश में, आप सभी को जानना चाहिए इनके बारे में। अब सबसे अच्छी यात्रा इनकी होती है राजनीतिक कार्य और उपलब्धियां, यानी कि राजनीति में इन्होंने क्या किया, कहां झंडा गाड़े। तो आप जानते हैं कि 1984 में 25 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने। आप समझ सकते हैं कि 1984 में, यानी कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो 25 साल आपकी उम्र होने चाहिए कम से कम। तो इन्होंने 25 साल की उम्र में ही लोकसभा चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि इसमें इन्हें असफलता मिली, यानी कि जीत नहीं पाई। फिर आप देखेंगे 1989, 1991, 1996 और 1998 तक ये खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। इन्होंने खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद बनी, यानी कि लोकसभा सदस्य बनी, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1999 में भोपाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, 1999 में, ठीक है। फिर ये पहुंचती हैं 2003 में, 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और आपने देखा 75% बहुमत के साथ जीत हासिल की। और दिसंबर दिसंबर 2003 को उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती बनती है, ठीक है। एकमात्र, तो ये भी कही अभी अभी तक बोला हूँ, 2020 अगस्त तक, आगे हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए महिला, लेकिन अभी तक। लेकिन इन्होंने ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहते हुए काम नहीं कर पाया। आपने देखा होगा सन 2004 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 1994 के हुबली जो दंगे हुए थे इनका नाम आया था उसमें, और उसी के कारण इन्हें गिरफ्तार करने वारंट निकला था, उसी के चलते इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा 2004 में। 2004 में ही वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सार्वजनिक रूप से बहस हो जाने के कारण भाजपा से निलंबित कर दिया गया, यानी कि ये भाजपा से अलग हो चुकी। फिर आपने देखा है कि सन 2006 आता है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई एक, जिसे आप लोग भारतीय जन शक्ति पार्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि 2004 में बीजेपी से अलग हो जाती है, 2006 में ये अपनी नई एक पार्टी बनाती है, भारतीय जन शक्ति पार्टी, ठीक है। फिर आता है 25 जुलाई 2007 का समय, 25 जुलाई 2007। तो आपने देखा है कि भारती ने, उमा भारती जी ने सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना के विरोध में भूख हड़ताल भी की, यानी कि ये इसके खिलाफ थी। उनका कहना था कि सेतु को हर हाल में बचाया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हिंदूवादी है और हिंदू से इनका लगाव है। अब भी इनकी पोशाक से भी आप लोग समझ जाते होंगे। फिर 2011 आता है, फिर से भाजपा में शामिल हो जाती है। तो याद रखिए 2004 में ये अलग हो जाती है बीजेपी से, और 2011 में फिर से जुड़ जाती है बीजेपी से। नवंबर 2011 में जब भारत सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने का फैसला लिया, तब तो उमा भारती ने वॉलमार्ट का विरोध किया था। एक बात याद रखिए, एफडीआई का मतलब होता है कि विदेशी इन्वेस्ट। एक तरह से आप कहिए कि अभी आप रेलवे का निजीकरण देख रहे हैं, तो ये कहने का मतलब है कि निजीकरण एक तरह से ऐसा होता है कि सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है। और जैसे 100% अभी रेलवे आपने देखा था कि सरकार के कंट्रोल में थी, लेकिन अब कुछ प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, अब वो चलाएंगे, प्राइवेट हाथ चलाएंगे। अभी भी आप देखते हैं कई जगह की आपको प्राइवेट बसें भी देखने को मिलेंगी और आपको सरकारी बसें भी देखने को मिलेंगी। तो सरकारी बसों का मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि सस्ता किराया रहता है, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। प्राइवेट हाथों में जाएगी तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, लेकिन किराया महंगा रहेगा, ठीक है। फिर आपने 2012 आता है, सन 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महोबा जिले के चरखारी निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की। तो याद रखिए 1984 में इन्हें एक बार असफलता मिली, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब भी उन्होंने जहां भी हाथ लगाया सफलता उनके हाथ लगी। 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महोबा जिले के चरखारी निर्वाचन क्षेत्र से सीट से वो विधायक बनती हैं। फिर आता है 2014 का समय, उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए सदस्य चुनी जाती हैं। कहां से? झांसी से। और आपने देखा होगा इसमें अच्छी जीत इन्होंने हासिल की थी, सपा के चंद्रपाल यादव थे, उनको
1,90,467 वोटों से हराया था, एक बड़ी जीत कह सकते हैं आप लोग, 2014 में झांसी से। ठीक है, फिर आपने देखा है कि उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई की केंद्रीय मंत्री भी नियुक्त की गई, एक कैबिनेट मंत्री भी रहे। उसके बाद आपने देखा है कि इन्होंने कह दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनाव आपके हुए। तो अब आगे इनका क्या जीवन रहेगा, आप लोग करंट से जुड़े रहिए, जो भी ये करती हैं आप लोगों के सामने रहेगा। ये पुराना क्या उन्होंने किया जिंदगी में उसके बारे में बताया, और भी इनके लिए कुछ पद हैं जिस पर ये रही हैं, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। 1988 में मध्य प्रदेश भाजपा को उपाध्यक्ष भी नियुक्त रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1988 में मध्य प्रदेश में भाजपा का उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 1990 में कृषि मंत्रालय में परामर्श समिति की सदस्य भी रही हैं। 1990 में 1990 में ही पंजाब विधानसभा में परामर्श समिति का सदस्य भी रही हैं। 1991 से 93 के बीच लोक लेखा समिति की सदस्य भी रही हैं, लोक लेखा समिति की सदस्य भी रही हैं। 1999 में भाजपा युवा मोर्चा का मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं 1993 में। ठीक है, कभी आप लोग देखिए इनके इंटरव्यू देखिए, मतलब बेबाक बोलती हैं जिस भी मुद्दे पर बोलती हैं, और सच का काफी हद तक साथ भी देती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सोनिया गांधी पर कई लोग उंगली उठाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक महिला है, काफी सपोर्ट करती हैं अच्छी चीजों का जो है। और कई बार आप देखते हैं कि मतलब उनका अच्छा नेचर एक तरह से कही है। देखिए हिंदू होना या कोई भी अपने धर्म को मानना उनका वो पर्सनल जीवन है, लेकिन देश हित में सोचना एक अलग बात होती है, और वो बढ़ चढ़ कर आप देखती हैं कि हिस्सा लेती रहती हैं। 1996 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। 1998 का समय आता है, केंद्रीय राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इनके अंडर में आता है। ठीक है, 1999 में केंद्रीय राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय विभाग में रहती हैं। सन 2000 में केंद्रीय मंत्री युवा मामले एवं खेल, 2002 में केंद्रीय मंत्री कोयला एवं खदान, 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब भी आपको मुख्यमंत्री बनना होता है तो आपको मध्य प्रदेश मतलब किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ता है। ठीक है, तो 2003 में मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रहती हैं, 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन जाती हैं, 2012 में उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट से पहले भी बात कर चुका हूँ विधायक बनती हैं, 2014 में उमा भारती भारत की जल संसाधन, नदी विकास और सफाई मंत्री बन जाती हैं। तो एक तरह से ये है इनका राजनीतिक जीवन और प्रारंभिक जीवन। ठीक है, और किसी के बारे में देखिए पूर्ण अच्छी तरह से कवर कर पाना, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कवर कर सकते हैं किसी की जिंदगी को पूरी तरह से। आप गांधी जी की बायोग्राफी देखते हैं, क्या आप लोग कवर कर सकते हैं पूरी? एक आपको ओवरव्यू दे दिया जाता है कि चलिए ये है उनकी जिंदगी, समझ रहे हैं? आप इतिहास पढ़ते हैं, आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप देखते होंगे कि मतलब आप ओवरव्यू पढ़ लेते हैं एक तरह से, लेकिन इतिहास में जब आप घुसते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये आपने देखा है काफी अटल बिहारी वाजपेयी को भी पसंद करती हैं, मतलब एक तरह से उनकी नेता है, पसंदीदा नेताओं में अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करती थी, नरेंद्र मोदी का भी काफी सपोर्ट करती हैं। ठीक है, चलिए ये है इनके जीवन के बारे में, और भी अगर आपको लगता है किसी और के बारे में अगर चाहिए तो आप बता दीजिए, बताऊंगा उनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, कोई भी आपके आपके भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री हो या जो भी चर्चित व्यक्ति हो, चर्चा में रहना चाहिए बस। ठीक है,